बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, जिसमें हम आज सर्कल पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 और सेकेंड ईयर क्लास है मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सर्कल की डेफिनेशन के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, एक फिक्स पॉइंट। फिर यहाँ बहुत सारे पॉइंट, ये एक पॉइंट है, फिर एक ये पॉइंट है, जितने पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये मैंने बहुत से पॉइंट्स ड्रा किए हैं। इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से फासला, फिर इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो इनको जोड़ लें। जोड़ने के बाद इनका सेट बना लें, यहाँ सबको मिला लें, सबका सेट बना लें, उसको हम कहते हैं सर्कल। ये सारे पॉइंट्स, इधर भी पॉइंट है, इधर भी सारे, सर जितने भी हैं सारे पॉइंट्स हैं, ये इस सर इस रसों चलते जाते हैं, यहाँ वापस यहाँ तक आते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट का, ये जो फिक्स पॉइंट लिया है इसका, इस तक डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। अगर फिक्स पॉइंट का इन तमाम पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो तो इन तमाम पॉइंट को जोड़ लें, इनका सेट बना लें, उसे हम कहेंगे सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पॉइंट लिया, ये लिया, ये फिक्स पॉइंट है, एक इधर ले लिया, आप देखें इनको जोड़ें, क्योंकि इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला, इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला इस डिस्टेंस से ग्रेटर है। जब हमने इनको जोड़ा तो फिर सर्कल आपके पास नहीं बना। इट्स मीन सर्कल ही क्या जरूरी है कि जितने पॉइंट्स हैं उनका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो, तो फिर हम उनका सेट बना लेते हैं। उस सेट को हम कहते हैं, ये जो सेट होता है इनको जोड़ लेते हैं, उसको हम कहते हैं सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और अब फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है सर्कल को, उसको कहते हैं रेडियस। उसको क्या कहते हैं, रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो सर्कल कंडीशन क्या बन गई, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। The fixed point not lying on the circle is called center of the circle, and the distance from fixed point to any point of the circle is called radius. ये जो fixed point है, ये circle के ऊपर तो नहीं है, ये इसको हमने क्या कह दिया, center of the circle। तो तीन चीजें यहाँ से क्लियर होगी, define circle, define center of circle, and what is radius of the circle। अब आ रहे हैं, next है standard फॉर्म सर्कल, यस पूरा लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सर्कल की क्या ड्राइव, इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी एक्स वाई, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए। ये जो सेंटर का था, इसका नाम रखिए C, कोई नाम दे दें H और K, X कोऑर्डिनेट H कर लिया, Y कोऑर्डिनेट K, और ये जो पॉइंट सर्कल के ऊपर लिया उसका X कोऑर्डिनेट X और Y को Y का। अब मैंने क्या कहा, C से P तक डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल है। तो अब थ्योरी में क्या लिखेंगे, कंसिडर अ पॉइंट P X Y ऑन द सर्कल, let C H K is center of the circle, then the distance from C to point P is radius. Therefore, measurement C P, it means C P distance is equal to क्या का radius, radius mean R. अब मुझे equation derive करनी है standard form of circle, उसके लिए मैंने एक point P X Y circle के ऊपर ले लिया और एक center C H K लिया। अब C से P तक डिस्टेंस मैंने रेडियस इक्वल कर लिया है, यहाँ मुझे C से P तक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़ो, A x1 y1 b x2 y2, ये चैप्टर नंबर 9 क्लास में हमने डिस्टेंस निकालने का तरीका सीखा था। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट्स को आपस से माइनस करके उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट को आपस से माइनस करके उसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट।
यहां पे देखें सी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया एच के और पी पॉइंट हमने क्या ले लिया एक्स वाई सी सेंटर और पी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। अब हमने निकाला सी पी डिस्टेंस तो क्या बताया फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में माइनस करेंगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू आर। अब देखें दोनों स्क्वायर रूट खत्म के दोनों का स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमने ड्राइव करना है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। अब देखिए मुझे सर्कल की इक्वेशन निकाल लिया है कौन सी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें इसमें सेंटर एच के उसमें सेंटर ओरिजिन उससे सबसे पहले आपको टर्म ओरिजिन के बारे में क्लियर होगा तो फिर हम आगे चल सकेंगे। ओरिजिन आपको एक्सप्लेन करते हैं ये देखिए ये एक लाइन है और एक ये लाइन है दो एक्सेस है जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलती है वहां 90 का एंगल हो तो वो जो पॉइंट है उसको ओरिजिन कहते हैं। डिफाइन ओरिजिन आएगा क्या लिखेंगे ओरिजिन इज अ पॉइंट वेयर टू एक्सेस वेयर टू लाइंस मीट ईच अदर परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली मीन 90 के एंगल पे ओरिजिन इज अ पॉइंट वेयर टू एक्सेस मीट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो यहां पे ओरिजिन में वो 0 0 होता है एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो मैंने ड्राइव क्या करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन तो उस सबसे पहले आपको ओरिजिन का पता तो ओरिजिन क्या आपके पास जहां पे दोनों एक्सेस एक दूसरे को 90 के एंगल पे मिलती हैं वहां पे एक पॉइंट बनता है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो यहां से हमें पता चल गया इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए कि ओरिजिन ओ क्या है लेफ्ट 0 0 इज ओरिजिन ठीक है ओरिजिन हमने क्या ले लिया 0 0 इट्स मीन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है देखिए एच तो एच भी 0 आ गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट क्या था के तो के भी क्या आ गया 0 सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है अभी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके लिए एच की जगह क्या पुट करेंगे 0 एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ये बन गया इज इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। तो सबसे पहले हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ड्रा किए स्टैंडर्ड फॉर्म ड्राइव किए उसके बाद हमने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। अब आ जाए इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि ओरिजिन हमारे पास 0 0 होता है सेंटर हमने ले लिया सेंटर कहाँ लेना है ओरिजिन पे तो सेंटर 0 0 आपके पास है तो सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट एच होता है तो एच की वैल्यू 0 और वाई कोऑर्डिनेट के होता है तो के की वैल्यू 0। जैसा कि हमने पहले ड्राइव किया स्टैंडर्ड फॉर्म तो x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर h की जगह 0 लगा लें k की जगह 0 x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर x तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है सेंटर एट ओरिजिन 0 0। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया पॉइंट सर्कल। अब देखिए ये सर्कल ड्रा किया है अगर यहां से यहां तक मैंने बताया कि रेडियस खत्म कर दूं खत्म नहीं 0 कर दूं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट बच जाएगा ये रेडियस की लेंथ है ये मैं खत्म कर दूं तो फिर एंड में क्या रहेगा एक पॉइंट। इसका मतलब है अगर रेडियस 0 कर दें तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा उसको कहेंगे पॉइंट सर्कल। डेफिनेशन क्या बनी इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल
टू जीरो, देन सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। इधर लिखा लेते हैं, इधर नेक्स्ट है आपके पास यूनिट सर्कल। अगर रेडियस वन हो जाए, यूनिट लफ्ज देखें यूनिट यूनिटी से निकला है, यूनिट यू कहते हैं एक होना यानी वन। अब यूनिट सर्कल है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर रेडियस वन होगा तो उस सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। वन आगे यूनिट कोई भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास क्या है कि वो यूनिट डी होती है। तो अगर यूनिट आपके पास क्या है, रेडियस, यूनिट सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या हो जाए, वन हो जाए। इफ रेडियस सर्कल इज वन, देन सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक पैरामीट्रिक, इधर कर लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक सबसे एक पॉइंट लेते हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये पॉइंट है। सर्कल हमारे पास था, सेंटर एट ओरिजिन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें पुट करें एक्स से क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था 1 के इक्वल इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। तो क्योंकि ये एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इन दोनों इक्वेशन ने सर्कल को सेटिस्फाई कर दिया है, लिहाजा ये दोनों सर्कल की कौन सी इक्वेशन होगी, पैरामीट्रिक। देयरफॉर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इस टॉपिक को हम दोबारा इसकी समरी बताते हैं कि हमने इस टॉपिक में सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल क्या होता है, फिर उसका सेंटर क्या होता है, फिर उसका रेडियस क्या होता है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की सर्कल की इक्वेशन जो है वो ड्राइव किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो बनी आपके पास एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हमने ड्राइव की इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद हमने पॉइंट सर्कल को डिफाइन किया, फिर हमने यूनिट सर्कल को डिफाइन किया, और फिर हमने लास्ट में पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये जो पॉइंट है ये पैरामीट्रिक, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके एंड में उसके ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं कि इसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। जाहिर सी बात, आपने पेपर देने, पेपर में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, और एंड पे फिर आपके जब एकेडमिक पेपर हो जाते हैं उसके बाद एंट्री टेस्ट होता है, और एंट्री टेस्ट में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो हर टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसके बारे में आपके नॉलेज हो और उसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको आते हो। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव आप डिस्कस करते हैं। सर्कल का सेंटर स्टैंड फॉर्म में क्या होता है, एच और के, रेडियस इक्वल टू आर। तो वो सर्कल का सेंटर पूछ सकता है कि स्टैंड फॉर्म में क्या है, वो आपको याद हो एच और के। फिर सर्कल का सेंटर पूछ सकता है कि ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे हो तो वो क्या होगा, वो जीरो जीरो। फिर एक ही ना सर्कल पूछेगा स्टैंड फॉर्म में, तो आप बताएंगे x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर वो पूछेगा एक ही ना स्टैंड फॉर्म में सेंटर एच के और रेडियस आर, और इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेगा जब सेंटर ओरिजिन पे, तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ सकता है, तो आप बताएंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यानी एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू
आर साइन थीटा। फिर पॉइंट सर्कल में पूछेगा रेडियस कितना होगा, तो पॉइंट सर्कल में रेडियस कितना होता है जीरो। फिर यूनिट सर्कल में पूछेगा रेडियस कितना होता है, वो होता है वन। तो ये पूरा टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया सर्कल के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर हमें सेंटर और रेडियस दियो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो उस और या फिर आपके पास एंड्स ऑफ डायमीटर दिए हों तो फिर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।